अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बीनेश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ ज़ैनब। मेरे पास ना व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट आई हैं रजब के महीने की इम्पोर्टेंस को लेके। क्यों है ये महीना इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि बीनेश, सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब से ज़मीन और आसमान बने हैं तब से 12 महीने ही हैं, उनमें से चार हुरमत वाले हैं, उनमें से एक रजब भी है। हुरमत वाले एज इन? हुरमत को ऐसे समझ लो कि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, जैसे हमारी लाइफ में टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट होती है, मस्जिद की एक हुरमत है, और जब हमारे घर को मेहमान आ जाता है तो कितना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं हम मेहमानों को, उनकी एक इज्जत है, उनका एक मकाम है, एक अदब से हम ट्रीट करते हैं मेहमानों को, वैसे ही रजब की भी हुरमत है। तो हम मेहमानों के आने पर जैसे अलर्ट होते हैं, हम रजब के महीने के आने पर तो बिल्कुल अलर्ट नहीं होते। बट सवाल ये है कि अलर्ट पे आए कैसे? सबसे पहले तो हम एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंस तो दें रजब को जो उसकी है, हम उसको एक्नॉलेज करें। उसके बाद हम गुनाहों से परहेज कर सकते हैं, हम नफ्स पे काबू कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने ऊपर भी जुल्म ना करें और दूसरों पे भी जुल्म ना करें। अपने आप पे जुल्म कौन करता है? वीरेश, जब हम गुनाहों से नहीं बच रहे होते हैं, नफ्स पे काबू नहीं कर रहे होते हैं, तो हम जुल्म ही करते हैं अपने ऊपर। यस, यू मीन कि व्हेन वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर स्पिरिचुअल नीड्स, दैट्स जुल्म? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो रजब शुरू हुआ है, अभी तो पूरा महीना है, हम हाई अलर्ट पे आ सकते हैं। यार वाकई थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर दिस ऑन टाइम इंफॉर्मेशन। एक्चुअली आई विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। यू आर वेलकम।